So class, in our previous class, we have done revision of half the chapter of the empire across three continents, which is our third chapter of history. So now we proceed on and try to complete the whole chapter and its revision. So in our last class, we have completed till the topic of transhumans. Now we move on to one more important topic of this chapter, which is about the slaves. Slaves, as we know, were very, very important part of the Roman Empire, and it was deeply rooted in the ancient world. Roman generally क्या होते थे, जो prisoners of war होते थे, यानी जो war में लड़ते थे लोग, और जो country या जो side हार जाती थी, उसके जो warriors थे या उनके जो लोग हैं, उनको as slaves रख लेते थे। तो जब Christianity आई रोम में, तो भी Christianity ने भी इसको चेंज नहीं किया, मतलब दे डिड नॉट चैलेंज इट और दे डिड नॉट से दैट द स्लेवरी इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड. सो इट कंटिन्यूड एक्चुअली टिल मेनी सेंचुरीज. उसके बाद जब ऑगस्टस आए थे, तब भी स्टिल देयर वर 3 मिलियन स्लेव्स, टोटल इटालियन पॉपुलेशन ऑफ 7.5 मिलियन, मतलब 7.5 मिलियन पॉपुलेशन में से 3 मिलियन तो क्या थे, सिर्फ स्लेव्स थे. वन रोमन एग्रीकल्चर राइटर जो है, उन्होंने एडवाइस किया था लैंड ओनर्स को कि हार्वेस्टिंग के टाइम या बाकी किसी टाइम में ना, बहुत सारे स्लेव्स को एक साथ यू शुड नॉट इंगेज देम इन वर्क, बिकॉज इफ दे कॉल इफ इट लीड्स टू सम काइंड ऑफ डिजीज, जैसे मलेरिया या कुछ, तो ऑब्वियसली इट विल बी प्रॉब्लमैटिक. तो इन्होंने ये स्लेव्स के लिए अच्छा सोच के नहीं बोला था, इन्होंने ये सोचा था कि अगर ऐसा कुछ होगा और अगर स्लेव्स बीमार पड़ गए तो इन लोगों को मुश्किल हो जाएगी बाद में काम करवाने में, और एक्स्ट्रा खर्चे भी होंगे उसके ऊपर. तो उसके बाद हमने देखा कि जो रोमन अपर क्लास है ना, वो बहुत ब्रूटल थी टूवर्ड्स दी स्लेव्स, यानी स्लेव से अच्छा बिहेव नहीं करती थी, जबकि जो कॉमन पीपल थे दे वर मोर कंपैशनेट, मतलब ये लोग सोचते थे स्लेव जो स्लेव्स है उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जा रहा है, एंड समवॉट दे आर ट्रीटेड वेरी वेरी बैडली. Now after that we saw that कई कई लोगों को लगता था कि वेज लेबर जो है इट इज बेटर देन द स्लेव लेबर. Why wage labor is better than the slave labor? Because जो slaves है उनको आपको रखना पड़ता है, उनके food की आपको जरूरत पूरी करनी होती है, clothing की जरूरत पूरी करनी होती है, so they are a bit expensive, क्योंकि जो laborer या workers होते हैं उनके क्या होता है, उनको बस आपको जितनी देर काम करते हैं डेली वेज या जिस भी हिसाब से आपने वेज लेबर रख रखा है उसको अकॉर्डिंगली काम करवाओ, और एंड देन ही इज फ्री फॉर हिमसेल्फ, आई मीन ही हैज टू अरेंज हिज फूड क्लोथिंग लिविंग एटसेट्रा. दैट इज व्हाई लेटर पीरियड में हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो स्लेव है वो कम हो गए, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड मोर एक्सपेंसिव. तो उसके बाद हम देखेंगे थ्रू आउट दी यू कैन से मेनी ऑफ दी द एम्पायर द रेन, जो इनका पूरा एम्पायर था उसमें हम देखेंगे स्लेव जो है उनको मेंटेन, और एज आई सेड दे आर एक्सपेंसिव बिकॉज उनको मेंटेन करना पड़ेगा, उनका रहना खाना सारी चीजें जो हो सकता है लेबर के एक्सपेंसिव ज्यादा हो. अब जो एज आई सेड देयर वर फ्यू पीपल हु वर एक्चुअली वेरी वेरी यू वी कैन से दैट सिंपथेटिक टुवर्ड्स दी स्लेव, जैसे किसी स्लेव ने अपने मास्टर के लिए बहुत अच्छा काम किया तो ऑब्वियसली वो लोग क्या करते थे, बहुत बार स्लेव्स को फ्री कर देते थे, बहुत बार उनको अपने बिजनेस का मैनेजर्स भी बना लेते थे, और एंड दैट मीन्स दे गेव देम सम काइंड ऑफ फ्रीडम. तो फिर जब इन स्लेव्स को फ्री कर देते थे तो उनको फ्रीडमैन बोलते थे. और अपने पास ये भी एविडेंसेस है कि बहुत बार कुछ जो बहुत ज्यादा हम बोलेंगे ऐसे लोग जो सिंपथेटिक थे टुवर्ड्स द स्लेव्स, वो ऐसे लोग थे जो अपने बहुत बार स्लेव्स को क्या करते थे, कैपिटल भी दे देते थे, पैसे भी दे देते थे. व्हाई? टू स्टार्ट अ बिजनेस, उसमें बाद में चाहे वो शेयर ले या नहीं ले, दैट डिपेंड्स ऑन द मास्टर. तो वी हैव अगेन फ्यू एविडेंसेस जहाँ पे ये है कि हम ये देखते हैं कि कुछ कुछ लोग जो है स्लेव्स की तरफ अच्छा बिहेव कर रहे थे, बट स्टिल जो मेजर पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं दे वर नॉट दैट सिंपथेटिक टुवर्ड्स द स्लेव्स. सो स्पेसिफिकली अगर देखे जो कैलुमेला थे, इन्होंने अपने को एविडेंसेस दिए हैं जिसमें इन्होंने बोला है कि जो लैंड ओनर्स है ना उनको इम्प्लीमेंट बहुत सारे अपने पास रखने चाहिए,
क्योंकि जब टाइम होगा, जब उनको स्लेव्स की जरूरत है, चाहे हार्वेस्टिंग के टाइम हो, चाहे सोइंग के टाइम हो, या और कोई प्रोडक्शन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के टाइम, तो दे शुड हैव इनफ इम्प्लीमेंट्स। ऐसा ना हो कि कोई स्लेव जो है वो खाली बैठा रहे क्योंकि कोई इम्प्लीमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। सो दैट इज व्हाई दे सेड दैट एक्चुअली स्लेव लेबर जो है उसको हमें अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, बिकॉज उनपे हमने बहुत ज्यादा स्पेंड किया है, सो दे शुड बी प्रॉपरली यूज। Now again with this, they are also telling us how did the slaves work? मतलब did they work individually या groups? तो generally जो बड़े farms थे या जो बड़ी industry जैसे थी जिनमें ज़्यादा slaves काम करते थे, उनको generally gangs या छोटी teams में divide कर देते थे, because it is easy to supervise them कि सब काम कर रहे हैं ना, ठीक से काम कर रहे हैं ना, कौन सा group ठीक से नहीं कर रहा है, किसी group में कौन individual ठीक से काम नहीं कर रहा। So now we have again got few incidences where we have seen, जैसे ये जो है Pliny the Elder, इन्होंने लिखा है कि ये जो method था ना of organizing production, जिसमें slaves को एक groups में रखते थे, it was not that good because जो suppose अगर 10 slaves हैं तो उन सबकी जो feet हैं उनको chain से tie करके रखते थे, तो it made obviously very difficult for these people to work and it was somewhat inhuman। उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि जो बड़ी factories में जहाँ पे ज्यादातर slaves काम करते थे वहाँ पे supervision करना जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जा रहा था, मुश्किल हो जा रहा था। क्यों मुश्किल हो जा रहा था? क्योंकि इतने लोगों पे continuous ध्यान रखना कि दे आर वर्किंग नाइसली एफिशिएंटली, ये जो है दैट वाज आल्सो अ बिट डिफिकल्ट। अब ये बोल रहे हैं किस तरीके से वो लोग ठीक से मैनेज करते थे। नाउ लिसन टू दिस, एज वी हैव ऑलरेडी डन कि जो वर्कमैन के जो एप्रन होते थे उसके ऊपर सील होती थी कि है ना, ये जो पर्टिकुलर स्लेव है ये इस काम के लिए आया है या ही इज अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वर्क डिपार्टमेंट। उसके बाद उनको मास्क पहनने होते थे, सिर के ऊपर भी मैश जैसे नेट का कुछ लगाना पड़ता था, एंड जब उनको वापस जाना होता था आफ्टर वर्किंग, दे हैड एक्चुअली दे वर प्रॉपरली चेक मेनी टाइम्स, दे वर ऑल्सो आस्क्ड टू टेक ऑफ देयर क्लोथ्स बिफोर लीविंग टू चेक कि ये लोग अपने साथ कहीं कुछ लेके तो नहीं जा रहे। That means the checking was very very strict on these people. And if we talk about the agriculture worker, their life was also not that good and they also had to do lot of work. So Egyptian peasants जो है वो हम देखेंगे धीरे धीरे later periods में ना बहुत ज्यादा they were tired of and they did not like working in those particular area. So they started leaving the deserts, leaving few of the villages specifically because यहाँ पे जो agriculture work था वो बहुत ज्यादा tiring था। फिर एक लॉ था ऑफ 398 विच टेल्स अस, अब इन्होंने क्या किया, वर्कर्स को भी ब्रांड करने लग गए कि ये पर्टिकुलर वर्कर जो है ये लैंड इस लैंड ओनर के अंदर काम कर रहा था, ताकि वो लोग भागने की कोशिश ना कर सके। अगर वो भागने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं छुप रहे हैं और उनका ब्रांड दिख गया उनके ऊपर जो भी सपोज जो हम बोलेंगे साइन बना हुआ है कि ये इस पर्टिकुलर लैंड ओनर के अंदर काम करता, तो वो उसको पकड़ के अगेन दे यूज्ड टू ब्रिंग देम बैक। और हम ये देखेंगे जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं वो वर्कर्स के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट भी करने लग गए थे, स्पेसिफिकली डेट से रिलेटेड। डेट से रिलेटेड यानी वर्कर्स जो हैं, अगर उन्होंने आपसे कुछ कर्ज लिया तो आप उसके बदले में उनको बोल रहे हो कि आपको हमारे फार्म पे इतने टाइम तक काम करना ही पड़ेगा एंड वी विल हैव टोटल कंट्रोल ओवर यू। और हम ये देखेंगे इसलिए थाउजेंड्स जो हैं दे वर वर्किंग अंडर देम, और बहुत सारे जो हैं उन्होंने अपने आप भी सरेंडर किया था, मतलब खुद भी स्लेव्स बन रहे थे, हर बार फोर्सफुली नहीं होता था। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर कंडीशन वाज वेरी बैड। वेरी बैड से मेरा मतलब क्या है कि सपोज दे डोंट हैव मनी इवन टू ईट, तो क्या होगा, देन दीज पीपल विल ऑब्वियसली नीड सम मनी सो दैट दे कैन ईट, एटलीस्ट जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो तो इनका फुलफिल हो। तो अपने आप को सरेंडर कर देते थे टू दी बिग लैंड ओनर्स एंड दे वर रेडी टू बिकम स्लेव्स और वर्क अंडर देम, दो इनिशियली दे वर फ्री, यानी दे वर फ्री बट दे वर रेडी टू बी सोल्ड बिकॉज ऑब्वियसली मनी वॉज नीडेड टू लिव अ लिविंग।
मेनी ऑफ द पुअर फैमिलीज तो डेट बॉन्डेज में जाते ही थे, पर बहुत बार ऐसा भी हुआ जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को सर्विट्यूड में बेच देते थे फॉर अ पीरियड ऑफ 25 years, मतलब 25 years तक आपको काम करना पड़ेगा अंडर वन पर्टिकुलर लैंड ओनर. और दिस वॉज एक्चुअली समथिंग दैट वी कैन थिंक की कितनी ज्यादा खराब कंडीशन थी दैट पेरेंट्स वर एक्चुअली सेलिंग देयर किड्स फॉर वर्क. For working in a farm or maybe a land of some big landowner. So because indebtedness was now widespread, अब बहुत ज़्यादा ये हो गया था कि बहुत सारे जो ये poor workers थे ये indebtedness में इतने ज़्यादा हो चुके थे, मतलब इतना कर्ज चढ़ चुका था इनके ऊपर और continuously ये लोग क्या कर रहे थे? They were trying to repay, but then there was no use and they had to work under the landowners. तो इसलिए एक revolt हुआ था 66 में, जिसमें रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था जो मनी लेंडर्स थे ना उनके साथ जितने भी बॉन्ड साइन किए थे. यानी कि सपोज आई थिंक दैट वन पर्टिकुलर पर्सन हैज सपोज टेकन 25,000 ऑफ करेंसी एंड ही मे वर्क फॉर सर्टेन इयर्स अंडर दैट लैंडलॉर्ड. ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट और ऐसे जो बॉन्ड्स थे ना उनको उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया. ये तो हो गया जब फोर्सफुली या अनविलिंगली कहीं ना कहीं लोगों को लेबर या सर्विट्यूड में जाना पड़ता था. बट देयर वाज आल्सो फ्यू सेक्शन ऑफ पीपल हु केम इन हैप्पीली टू वर्क बिकॉज देयर वर फ्यू पीपल एज दे हैव मेंशन की सिटी ऑफ दारा बनाई थी इन लेस देन 3 वीक्स. इसमें लेबर को उन्होंने एम्प्लॉय किया था पर उनको बहुत ज्यादा वेजेस क्या करते थे, सप्लाई करते थे. क्योंकि इतने वेजेस अप्लाई करते थे तो पीपल वर एक्चुअली लेबरर्स वर हैप्पी टू जॉइन इट एंड दे वर हैप्पीली वर्किंग अंडर दिस कंडीशन. उसके बाद देन वी विल सी दैट दिस इज इट हाउ द लाइफ ऑफ स्लेव्स वाज एट दैट पीरियड दैट इज इन द रोमन एम्पायर. अब उनकी जो सोशल हायरार्की थी वो कैसी थी, यानी जो सोसाइटी है वो कैसे डिवाइडेड थी, ये भी वी हैव ऑलरेडी डन की सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनिशियली जब रिपब्लिकन रोमन थी तो सेनेटर्स थे और फिर नाइट्स थे, मिडिल क्लास, फॉर्मिलियर्स यानी कि लोअर सेक्शन और फाइनली स्लेव्स. विद टाइम जैसे जैसे ग्रेजुअली सिचुएशन चेंज हुई, सेनेट की जगह एम्परर आए तो जो इनकी डिविजन्स है वो थोड़ी सी चेंज हो गई. जिसमें हमने किया था जो फर्स्ट 2 डिविजन्स है वो एक हो गई एंड ये जो मिडिल क्लास है ये अलग रह गए और होमिलियर्स और स्लेव्स कहीं ना कहीं, मतलब होमिलियर्स में भी जो रिच अब लैंड ओनर्स हो गए थे या जो रिच मर्चेंट्स है वो मिडिल क्लास में चले गए थे और नीचे स्लेव्स और एकदम पुअर कंडीशन के जो लेबरर्स थे वो रह गए. ये दीज वर द चेंजेस विच वर कमिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द सोसाइटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ द एम्पायर. अब वी सी इन द अर्ली 3rd century जो सेनेट थे दे नंबर्ड ओनली 1000 and half of them were from the Italian families. फिर देखेंगे 4th century तक जब तक कॉन्स्टेंटाइन का टाइम आ गया था तो वी विल सी कि जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स है मतलब सेनेटर्स और इक्विटीज तो थे जिसको हम नाइट्स में भी इंक्लूड करते हैं. इक्विटीज एक्चुअली में रिच एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे जो वर्क्ड इन द मिलिट्री. तो ये दोनों को मर्ज करके ये एक्सपैंडेड एरिस्टोक्रेसी जैसे हो गए थे और अब इनकी फैमिलीज जो अफ्रीकन और ईस्टर्न ओरिजिन की भी हो गई थी. Now these were the people who were very very wealthy and they were now you can say less powerful than the purely military elites. मतलब ये धीरे धीरे अमीर तो हो गए थे बहुत पर ये इतने powerful नहीं थे जितनी military थी. ठीक है. Now उसके बाद moving on to the next portion which is obviously continuing with our social hierarchy where we see कि middle class जो लोग थे वो कौन थे. Middle class people वो थे who were actually connected now with the imperial service in the bureaucracy and empire, यानी अब the army में. अब धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे राजा important हो रहा था, emperor important हो रहे थे, वो एक अलग section को भी importance दे रहे थे ताकि senators की importance थोड़ी कम हो क्योंकि senators से उनको हमेशा डर था कि इनके मन में कहीं ना कहीं होगा कि हम लोग वापस power में आए जैसे पहले थे. कब थे, जब हम republican empire के time थे. So that is why they were wanting more people to join the army. So अब जो है ये ये तो लोग मिडिल क्लास में आ गए थे, इनके साथ जो prosperous merchants और farmers as I said, ये लोग भी धीरे धीरे मिडिल क्लास में आने लग गए थे और गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं और इनको जो फैसिलिटीज चाहिए थी ये कहीं ना कहीं इन फैमिलीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे.
अब जो होमिलियर्स हैं इसका मीनिंग होता है लोअर, मतलब लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बोल सकते हैं। इसमें रूरल लेबर फोर्स थे एंड मेनी वर परमानेंटली एम्प्लॉयड इन द लार्जर एस्टेट्स, वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल माइनिंग, ये सारे जो लोग थे ये हम बोल सकते हैं लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में इन्वॉल्व थे। माइग्रेंट वर्कर्स जो थे वो भी हम लोअर में ही बोलेंगे बिकॉज दे सप्लाइड मच ऑफ द लेबर। सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिजन्स जो थे वो थोड़े से बेटर ऑफ थे उनकी लाइफ एज कम्पेयर टू द वेज लेबर। अब जो इन बिग सिटीज कैजुअल मास ऑफ लेबरर्स वर आल्सो देयर, जो बहुत ज्यादा हम बोलेंगे मतलब नॉर्मल जैसे काम करना या मतलब फिक्स नहीं है, जो परमानेंट नहीं थे, डेली वेज अर्नर्स टाइप कैजुअल मास ऑफ लेबरर्स थे जो काम करते थे डिपेंडिंग अपॉन उनको किस हिसाब से काम मिलता है। नाउ अ लार्ज मास स्लेव स्टिल फाउंड ऑल ओवर द वेस्टर्न एम्पायर इन पर्टिकुलर। तो स्लेव वैसे तो धीरे धीरे कम हो रहे थे नंबर, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर इसलिए कम हो रहा था इनका नंबर क्योंकि बीच के टाइम पे बहुत पीस वाला टाइम था, क्योंकि लड़ाई नहीं हो रही थी तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं थे तो स्लेव्स नहीं हो रहे थे। सिर्फ वो इन लोगों ने बहुत बार हम देखेंगे आगे ट्राई भी किया था कि कैसे स्लेव्स के नंबर बढ़ाए, तो पर जनरली जो है वेस्टर्न एम्पायर में स्लेव्स थे। Now we will see before moving on to the other parts, let us just as I was saying कि slaves का number इसलिए भी कम हो रहा था क्योंकि ये prisoners of war नहीं हो रहे थे तो अभी वो slaves ज्यादा चाहिए, तो ये लोग क्या कर रहे थे, जो स्लेव के स्लेव लेडी और मतलब जो कपल या स्लेव फैमिलीज हो रहे थे उनको बोल रहे थे कि आप जो है और बच्चे you should have more kids, why? So that क्योंकि वो slave के बच्चे तो वो slave ही रहेंगे तो at least slave का जो number है वो at least existence में ही तो रहेगा, which because they needed more slaves for their work. Now we move on to the other portions. Other portion है कि हम देख रहे हैं कि aristocracy जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा important तो थी पर बहुत ज्यादा अच्छी life जी रही थी। इनकी annual income just imagine 4,000 pounds of gold. एंड जो मॉनिटरी सिस्टम था इनिशियली तो इन लोगों ने लेट एम्पायर के टाइम क्या किया था, सिल्वर बेस्ड करेंसी स्टार्ट की थी फर्स्ट 3 centuries के लिए, पर बाद में क्या हुआ कि सिल्वर की जो ओर्स है और ऐसे लगा सिल्वर की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, तो उन लोगों ने क्या किया गोल्ड को यूज कर लिया टू प्रोड्यूस मोर करेंसी। जस्ट इमेजिन गोल्ड के कॉइन्स थे उनके एंड दैट इज व्हाई दीस पीपल वर वेरी वेरी रिच। और हाई और मिडिल क्लास जो है हम बोलेंगे बहुत एफ्लुएंट ग्रुप थे, बहुत अच्छी लाइफ जीते थे यहाँ पे क्योंकि इनकी सैलरी किसमें होती थी, गोल्ड में होती थी, और ये बहुत कुछ जो अपने पैसे हैं वो इन्वेस्ट करते थे एसेट्स में, जैसे कहीं पे लैंड खरीदना है, कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो ये जो इनको सैलरी के फॉर्म में करेंसी मिली है गोल्ड में उसको वो यूज करते थे। सो दीज वर एक्चुअली वेरी वेरी रिच पीपल। बट हम ये भी देखेंगे इस टाइम पे जो ब्यूरोक्रेसी थी ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रीडी थी। ग्रीडी इन टर्म्स में कि जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे ना अब उन लोगों ने स्टार्ट कर लिया था बहुत ज्यादा करप्शन करना। एंड हाउ डू वी नो कि भाई इतना करप्शन होता था, बिकॉज बहुत सारे अपने पास एविडेंसेस है जिसमें ये लिखा हुआ है कि उनकी रोमन एम्पायर ने इतने सारे लॉज निकाले थे। किस चीज के लिए लॉज निकाले थे, टू कर्व द करप्शन, यानी अगर लॉज निकाले हैं अगेंस्ट करप्शन इससे अपने को क्या पता चलता है कि करप्शन वहां पे था तभी तो उसके अगेंस्ट लॉ इतने सारे बने। और एक दो और चीजें उनकी अगर एम्पायर के बारे में बात करें स्पेशली जो अपर लेवल्स या एम्परर से या जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है वो ये है कि रोमन स्टेट है ना बहुत अथॉरिटेटिव थी और अगर उनके खिलाफ कोई कुछ बोले तो वो उसको मतलब वायलेंटली रिस्पॉन्ड करते थे, मतलब बीटिंग टॉर्चरिंग देम ये वाली चीजें होती थी। सो हम यही देखेंगे कि कुछ लॉज इससे रिलेटेड भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। अब ये क्या था, इसी के कारण जो एम्परर है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव पावरफुल नहीं हो पाया क्योंकि वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे लॉज के थ्रू, और लोग भी जो है ना आवाज उठाते थे इनके खिलाफ जबकि उनको पता है वायलेंटली हो सकता है रिस्पॉन्स हो, पर फिर भी वो लोग आवाज उठाते थे। कॉमन लोग तो उठाते ही थे बट पावरफुल लोग भी, जैसे वी हैव गॉट एविडेंस कि एक बिशप थे, बिशप आर एक्चुअली स्पिरिचुअल हेड,
इन्होंने क्या किया था, पावरफुल एम्परर के अगेंस्ट बोला था और बहुत स्ट्रॉन्गली बोला था कि दीज आर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग इनकरेक्ट एंड यू विल हैव टू चेंज देम. मतलब ओपनली कर रहे हैं, इसका मतलब इतनी फ्रीडम थी लोगों में. अब जो इनका टाइम पीरियड हम देखेंगे टुवर्ड्स द लेट एंटीक्विटी, यानी हम लेट एंटीक्विटी जो हमारा टाइम पीरियड है वो है 4th से 7th सेंचुरी के बीच में. ये ऐसा टाइम है जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे सोसाइटी में और लेटर ऑन हम देखेंगे जिसके कारण क्या हो गया, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर. सबसे पहली चीज है कि 4th सेंचुरी में जो कॉन्स्टेंटाइन है एम्परर, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया. और क्या हुआ, इस्लाम जो है 7th सेंचुरी में हम देखेंगे आएगा और इस एरिया के ऊपर धीरे धीरे रोमन एम्पायर जो उसका डोमिनेंस कम हो जाएगा. तो मेजर चेंजेस जो इनके स्ट्रक्चर में आएंगे, जो एम्पायर के स्ट्रक्चर में, वो आएंगे अंडर द एम्परर डायक्लोशियन. नाउ ये जो एम्परर है, इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि एम्पायर जो ऐसे लग रहा है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, उसको कैसे एक बना के रखें और पावरफुल बना के रखें. तो उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप क्या किया, इन्होंने सोचा कि ऑलरेडी इतना एक्सपैंडेड एम्पायर है और इसको ठीक से चलाने के लिए, ताकि इसको गवर्न अच्छे से कर सके और आगे और ब्रेकअप ना हो, इसके लिए क्या किया ये जो एम्परर है डायक्लेशियन, इन्होंने बोला जो जो टेरिटरीज हमारे हिसाब से इकोनॉमिक वैल्यू और मतलब जो उसकी लोकेशन है स्ट्रेटेजी पॉइंट अगर देखें वो इम्पोर्टेंट नहीं, उनको धीरे धीरे प्लानिंग के साथ, ऐसे नहीं अचानक से, उनको तो अबंडन करना शुरू कर दिया, मतलब खाली करना शुरू कर दिया और उसकी जगह उन जगहों को इम्पोर्टेंस देने लगे जो उनको लगा कि इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली क्या है ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और फिर उन्होंने क्या किया, अपने फ्रंटियर्स को फोर्टिफाई किया, मतलब वॉल बिल्ड की, प्रोविंशियल बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज किया, कहाँ तक टेरिटरी की बाउंड्री होनी चाहिए जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, मिलिट्री फंक्शन को सिविल फंक्शन से अलग किया. उसके बाद उन्होंने ग्रेटर ऑटोनॉमी दी, मिलिट्री को ज्यादा पावर दिया ताकि वो पावरफुल ग्रुप बन जाए. और कॉन्स्टेंटाइन में हम देखेंगे इनिशियली जो न्यू डोमिनेशन इंक्लूड किया था, इंट्रोड्यूस किया था सॉलिडियस, वो एक्चुअली 4 ग्राम का प्योर गोल्ड था. So this is telling us the steps that they are doing so that their empire can continue nicely for a longer period of time. अब जो इन्होंने एक नई कैपिटल बनाई कॉन्स्टेंटिनोपल, और जो न्यू कैपिटल अगर बनाई है तो उसके लिए नया सेनेट चाहिएगा, गवर्निंग क्लास चाहिएगी, ब्यूरोक्रेसी चाहिएगी, नए मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिएगा, ये सारी चीजें चाहिए. तो फॉर एक्सपेंशन देयर वाज कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट, उन्होंने गांव में रूरल इन्वेस्टमेंट किया था, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस किए थे ऑफ ऑयल प्रेसेस, ग्लास फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, नई टेक्नोलॉजीज यूज की थी लाइक स्क्रू प्रेसेस एंड मल्टीपल वाटर मिल्स, और कोशिश की थी कि ईस्ट के साथ जो ट्रेड हो रहा था वो कंटिन्यू हो. मतलब दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट इन एवरी वे कि हम किसी तरीके से क्या करें, अपनी जो एम्पायर है उसको कंटिन्यू रखें और अच्छे से इसका रूल हो जाए और डेवलप भी हो. रूलिंग एलीट्स जो है वो धीरे धीरे वेल्थियर हो रहे थे, प्रॉस्परस हो रहे थे. अपने को बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं पेपराई में कि यहाँ की सोसाइटी जो है बहुत अमीर थी, रिच थी, और जो रूरल एस्टेट है वो जनरली वास्ट इनकम्स इन गोल्ड को जेनरेट करते थे. अब अपने पास एविडेंस है कि इजिप्ट ने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं टैक्सेस ऑफ ओवर 2.5 मिलियन सॉलिडाई अ ईयर, मतलब इतने तो टैक्सेस देते थे, तो जस्ट इमेजिन कि इनकम कितनी हो, बहुत ज्यादा इनकम. नाउ नियर ईस्टर्न कंट्री साइड, जो नियर ईस्टर्न कंट्री साइड है वो मोर डेवलप था एंड डेंसली सेटल था 5th और 6th सेंचुरी में. मतलब ये कम टू नो की जो ईस्टर्न साइड है ना वो ज्यादा डेवलप था. नाउ इफ वी लुक इन टू द यू कैन से लेटर एस्पेक्ट, मतलब जो इनका कल्चरल डेवलपमेंट कैसा था. इनिशियल सबसे बड़ी बात है कि इनका ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर जो था वो था पॉलीथिस्टिक. पॉलीथिस्टिक का मतलब क्या होता है, व्हेन यू बिलीव इन मेनी गॉड्स एंड यू डोंट बिलीव इन सिंगल गॉड, यानी यू बिलीव इन मेनी गॉड्स. तो इसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ कल्ट होता है, मतलब गॉड ऑन यू बिलीव, ठीक है. उसके बाद इसमें रोमन इटालियन गॉड्स थे, जो इन भी गॉड पे आप बिलीव करते हो, जुपिटर थे, जूनो थे, बहुत सारे गॉड्स थे. और ये जो है इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा टेम्पल्स बने थे, श्राइन्स बने थे, एंड पीपल यूज टू गो एंड वर्शिप एंड विजिट दीज प्लेसेस.
एक और जो यहाँ पे ट्रेडिशन था वो था जुडाइज्म का, जो वो भी मोनोलिथ नहीं था, इसमें भी ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी। मोनोलिथ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मोनो मतलब सिंगल, लिथ मतलब स्टोर, मतलब बिलीविंग इन वन पर्टिकुलर, जैसे मतलब जैसे अपने आइडल्स बनाते हैं वैसे, having one sculpture and believing in that, they did not believe in this, it was not monolithic, it was actually having lot of diversity. Now if we look into the other developments, हमने देखा था Christianity spread हो गई थी 4th और 5th century में, gradual process था, ऐसे नहीं कि अचानक से एक दिन अगले दिन Christianity हो गई, धीरे धीरे हुई थी, complex process था, हमें पता Constantine ने official religion बना दिया था, उसके बाद इसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गई थी। अब धीरे धीरे जो बिशप्स है वो लोगों को बोल रहे थे कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिजिड सेट ऑफ बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस ही फॉलो करने पड़ेंगे, जो पहले इतने रिजिड और स्ट्रिक्ट नहीं थे, अब वो धीरे धीरे बोल रहे हैं कि अगर आपको क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना है तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये प्रैक्टिसेस इसी हिसाब से करनी पड़ेगी। अब हम जो ये देखते हैं एम्पायर का एंड, एम्पायर का जो एंड है ये हम टू पार्ट्स में पढ़ेंगे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। एज हमने पढ़ा था डायोक्लेशियन ने इसको डिवाइड कर दिया था एम्पायर को वेस्टर्न और ईस्टर्न में, तो वेस्टर्न जो है वो स्टार्ट हुआ था डिसइंटीग्रेट होने 5th century में, जब बाहर के बहुत सारे जो ग्रुप्स है जो उनके बॉर्डर्स में बहुत बारबेरिक जर्मेनियन ग्रुप्स थे, इन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया था और इन लोगों ने कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया था वेस्टर्न रोमन एम्पायर। As you can see the name Visigoths, Franks, Lombards, etc. और इनको ही हम बोलते हैं post Roman kingdoms, और ये ही कहीं ना कहीं जो अपना medieval period start होगा उसके हम बोलेंगे foreshadow, मतलब उनसे पहले वाला time है। उसके बाद moving on to the last topic, अगर हम देखें कि इनका जो Eastern Empire है वो कैसे एंड हुआ, जो ईस्टर्न एम्पायर है इट एक्चुअली वाज मोर प्रॉस्परस इफ वी कंपेयर इट टू द वेस्टर्न एम्पायर। तो जो ईस्टर्न एम्पायर है इट वाज वेरी वेरी प्रॉस्परस एंड यूनाइटेड अंडर द एम्परर जस्टिनियन। उसके बाद जस्टिनियन जो है उन्होंने रिकैप्चर भी कर लिया था कुछ एरिया जैसे अफ्रीका का फ्रॉम वैंडल्स, और कुछ और जैसे ऑस्ट्रोगेथ्स है इन्होंने किंगडम जो इटली का है उस पर कंट्रोल कर लिया था, बट जो लोम्बार्ड्स है उन्होंने इन्वेजन्स इटली पे किया। तो यहाँ से बस ये समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस वॉर हो रहा है, एम्परर जो रोमा वाले हैं वो सोच रहे हैं हम वापस कंट्रोल कर ले, पर जो दूसरे वाले हैं टुवर्ड्स द बॉर्डर दे आर अगेन एंड अगेन अटैकिंग एंड कंट्रोलिंग द एरिया अगेन। अब बिकॉज दीज पीपल आर अगेन कंटिन्यूअस एंगेज्ड इन वॉर, तो ऑब्वियसली इनकी एम्पायर को एक सेटबैक हो गया था इस टाइम, क्योंकि ऑलरेडी इतने पावरफुल नहीं थे और ऐसे अटैक्स को कंट्रोल करना और स्टार्ट में पहले खुद भी कोशिश करना कि और एम्पायर अपने अंडर लेंगे, इसके कारण उनके एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई थी, एक सेटबैक हो गया था। वॉर जो है वॉर स्टार्ट हो गई थी बिटवीन रोम एंड ईरान 7th century में कंटिन्यू हो गई थी, जो पहले बीच में हुई थी एक बार के लिए थोड़ी स्लो डाउन हो गई थी, फिर कंटिन्यू होने लग गई 642 में, जो लार्ज पार्ट्स ऑफ बोथ ईस्टर्न और रोमन और ससेनियन है अब वो किसके अंडर आ गया, अरब्स के अंदर भी आ गया। अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको फेमसली हम बाइजेंटाइन एम्पायर बोलते हैं, इट लास्टेड अप टू 1452 व्हेन द टर्क्स फाइनली कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, मतलब ऐसे तो 642 तक ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं अरब ने कंट्रोल कर लिया था सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, बट बाइजेंटाइन एम्पायर फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चला 1453 तक, और जब फाइनली ये जो टर्क्स है इन लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जो उनका सेकेंड कैपिटल था ईस्टर्न एम्पायर का उसको भी कॉन्कर कर दिया। एंड द लास्ट थिंग इज दैट फाइनली वी विल सी दैट दिस टाइम पीरियड वेयर द इस्लाम इज एक्सपैंडिंग इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इन द एंशियंट वर्ल्ड, यानी हमारा जो एंशियंट वर्ल्ड है उसका सबसे ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है the expansion of Islam basically towards this area. अब जो Arabian Peninsula है उसका unification बढ़ रहा है, numerous tribes जो है वो इसमें धीरे धीरे include होगी, and यही है key factor behind the territorial expansion of Islam. यानी वो Arabian Peninsula में तो फैल ही रहा है, इसके अलावा क्या हो रहा है बहुत सारे जो tribes हैं वो भी अब धीरे धीरे कैसे इस्लाम को
एक्सेप्ट करेंगे एंड हाउ विल इट फाइनली लीड टू टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम and this is that with this we have completed our third chapter and the fourth chapter that we will do will be continuation of this chapter yani jo humne bola hai ki arabs aa gaye hain aur kaise expand karenge uske aage hi hum padhenge in the central islamic islands which is our chapter 4 of history so I just think that and I suppose that the chapter is clear to you all and we are left with the map work which we'll do in our next class so I suppose the whole chapter is clear and we'll now if you have any problem feel free to ask now we'll meet in the next class